जम्मू कश्मीर लद्दाख के इस प्योज भाइयों और बहनों को जो 40,000 के करीब हैं, जिसमें हमारे डिसएंगेज एसपीओज हैं, वीडीसी एसपीओज हैं और रनिंग एसपीओज हैं, सभी को एक पैगाम देना चाहूंगा। जिस तरीके से आपकी आवाज को लेकर मैं पिछले काफी समय से चल रहा हूं, आपको आज आपके सामने सारा रिजल्ट आ चुका होगा कि आपके हक में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कितने ऑफिसर हैं। मगर मैं आपके हौसला अफजाई के लिए और आपको एक सही तरीके से एक पैगाम देना चाहूंगा अपने तमाम परिवार के मेम्बरान को। मैं जानता हूं कि आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि जो मैं आपके लिए मुझे करना चाहिए था, मैं उससे ज्यादा आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं कि कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी ऑफिसर आपके हक में नहीं है। उसके बावजूद भी मैं आपके साथ एक वादा करना चाहता हूं, आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं। काफी मेरे भाई एसपीओ भाई मायूस भी होते हैं। मैं थोड़ी सी पूरी जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा, थोड़ी सी आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। आपको मैंने शुरू से कहा आप मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। आपको जब ये बयान सुनने को मिलते हैं, ये जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर पुलिस के डीजीपी साहब के या बड़े बड़े कुछ रिटायर्ड ऑफिसरों को भी बड़ी हमदर्दी आपके साथ है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर तो नाम तक लेके राजी नहीं, अगर जो लेते भी हैं तो वो उन्होंने किस किस्म की टिप्पणियां करते हैं, यानी उनके दिलों के अंदर जो आपके लिए जगह है वो कुदरती आपने सुना भी है और आपके सामने भी है। मगर ये जो शख्स है, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि मैं जब तक सही सलामत हूं मैं आपके सर को झुकने नहीं दूंगा। अलबत्ता जब सच्चाई के राह पे आप निकलोगे तो कठिनाइयां जरूर आती है, और मैं भी एक साधारण से परिवार से बिलोंग करता हूं, मगर मुझे फख्र है मैं एक हिंदुस्तानी शहरी हूं और जो आइन हिंद ने मुझे जमहूरी ताकत दी है बोलने की, मैं आपके साथ जो भी ऑफिसर या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या जहां से भी आपके साथ नाइंसाफी होगी, उस नाइंसाफी के खिलाफ मैं एक चट्टान की तरह आवाज उठाऊंगा। और मैं आपके साथ हमेशा से ही, मेरा आपके साथ वादा है। और दूसरी बात, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन पुलिस अफिसरों के बयानों से, इन लीडरों के बयानों से मेरे तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी नहीं आनी चाहिए। मैं भी एक अच्छी तंजीम के साथ जुड़ा हूं और हमारे पीछे भी बड़ी बड़ी ताकतें हमारे साथ भी हैं। मैं डीजी साहब से पूछना चाहता हूं, 15 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो एसपीओज है मेरा परिवार है, इनको हम बहुत अच्छी फोर्स के तर्ज पे देखते हैं, और फिर 4-10 दिन के बाद वो टेम्परेरी हो गए, उनको ऑलरेडी तनख्वाह मिल रही है। ये चीजें जो है शोभा नहीं देती, एक डिपार्टमेंट के जो चीफ है उनको ये चीजें शोभा नहीं देती। अगर डीजी साहब को वाकई जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के साथ हमदर्दी है, जिन लोगों के साइटेशनों से ऑफिसरों के घर में काम करने वाले लोग कांस्टेबल बन गए, एएसआई बन गए, जिन लड़कों की कुर्बानियों की वजह से हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस ऑफिसरों ने मेडल तक लगाए और उन लड़कों को उन्होंने सड़कों पर रखा है, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। डीजी साहब, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े पैगंबर चले गए तो हम तो एक मिट्टी है। अगर आपको अपना परिवार कहीं एसपीओ भाई दूसरे स्टेटों में भी आपने ये कहा कि एसपीओ है,
आपको शायद ये भूल गया होगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर कितने एसपीओ भाइयों ने शहादत तक दी। आईटीआई डिप्लोमा होल्डर को आप कंफर्म कर देते हो, आप ये बता सकते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है इस वक्त? आईटीआई की पेंडिंग है, बोर्ड मीटिंग आप कर नहीं रहे हो, सपोर्ट से रिलेटेड पेंडिंग है, साइटेशन केस आपके दफ्तर में पेंडिंग है, कई डिस्ट्रिक्टों के लोग हमें पता है कि आपने एसपीओ को धमका के रखा है, कोई बोल नहीं सकता है, मगर वो भी हिंदुस्तानी शहरी है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता और छोटे से छोटा एम्प्लॉइज, सबसे पहले हिंदुस्तान एंड हिंद ने उसको जमहूरियत दी अपने हक की बात करने की, और कोई भी अधिकारी बात कर सकता है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर और आज भी हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन चल रही है, आज हमारे जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन चल रही है, उसके बाद भी डीजी साहब के इस तरीके की टिप्पणी करना, यह मैं कहता हूं कि बहुत गलत बात है, और इसके हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और इसका जवाब हम कुछ ही दिनों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, उसका जवाब डीजी साहब को दे दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को हम ये डिमांड करते हैं, होम मिनिस्टर साहब से भी अपील करना चाहता हूं यहां दिल्ली से, कि उनको जाती तवाजा देनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 40,000 परिवार जो है वो देख रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर उनको उम्मीदें बनी हुई है, और डीजी साहब को भी चाहिए कि उनको उनके बारे में पॉजिटिव सोच को लेकर चले, और उनको इंसाफ दिया जाना चाहिए। पिछले दरवाजे से लड़के लगवाए जा रहे हैं, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, जैसे पूछने वाला कोई नहीं, सारी चीजों का रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ की बारे में डीजी साहब सोच रहे हैं, उसको हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के बारे में डीजी साहब को चाहिए कि वो तुरंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करें, इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए, और इनको कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जानी चाहिए, जो ऑलरेडी ऑनरेबल हाईकोर्ट में पिटीशन चल रही है, और उसका भी फैसला हमें पूरा भरोसा है कि उसका फैसला बहुत जल्द आने वाला है। उसके लिए हम जो आज तक हमने बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, डीजी साहब, गवर्नर साहब प्रोटेस्ट ना पीसफुल प्रोटेस्ट करके टस्से-मस नहीं हुए, हमने नहीं चाहा कि हम किसी भी किस्म की वायलेशन करें। आने वाला वक्त जो है तो डीजी साहब को पता चल जाएगा कि ये एसपीओ का परिवार कितना परेशान है, सारे परिवार को लेकर हम सड़कों पर उतर सकते हैं अगर इनकी सुनवाई अफिसरों ने और आप ही के हाथों से, जो सरेंडर मिलिटेंट हुआ, जिसने भी सरेंडर किया उसको आपने गवर्नमेंट जॉब दे दिया, आर्मी में टीए की नौकरी करने वाले को कांस्टेबल के बराबर उससे ज्यादा सहूलियत मिलती है, और आपका एसपीओ टेम्परेरी हो गया, ये आपकी कमजोरी है डीजी साहब, जो साइटेशन के केस आपके पास पेंडिंग है। मैं जानता हूं आप एक बहुत पावरफुल लीडर हैं, पावरफुल ऑफिसर हैं, आप पूरे जम्मू कश्मीर की पुलिस का हफ्ता आपके पास आता है, आप बहुत कुछ करते हो, ये सबको पता है, ये आप भूल जाइए। मैंने 50 बार होम मिनिस्टर साहब को आपके बारे में सारी जानकारी दी है। अब बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त लावारिस बन चुका है, जब पब्लिक की अदालत में, जनता की अदालत में आपको जरूर जवाब देना होगा। एक तो दो साल से ज्यादा कोई ऑफिसर किसी जगह पर रहता नहीं, आप इतने काबिल होते, पूरे जम्मू कश्मीर की पुलिस इस वक्त सफर कर रही है डीजी साहब। बदकिस्मती यह है कि आप बड़े ऑफिसर हैं, आपका बड़ा रुतबा है, और ये 40,000 परिवार आपके एक बयान के ऊपर टिके होते हैं, और आपको ये बात शोभा नहीं देती। और दूसरी बात यह बताना चाहूंगा डीजी साहब को, डीजी साहब से भी ऊपर बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी है, यह कुर्सी किसी के बाप की नहीं होती, कुर्सी पे बैठ के काम करना पड़ता है। मैंने देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरी डिटेल बताई है, मैंने होम मिनिस्टर साहब को पूरी डिटेल दी है मेमोरेंडम में, और होम मिनिस्टर साहब ने 3 बार लेटर तक इशू कर दिए, और डीजी साहब को अभी टेम्पररी नजर आते हैं। टेम्परेरी अगर है तो आप इनसे 24 घंटे ड्यूटी ले रहे हो, आप वायलेशन कर रहे हो इक्वल वर्क इक्वल पे का,
आप मिनिमम वेजेस एक्ट इनके ऊपर लागू नहीं कर रहे हो। आप हाई कोर्ट में जवाब देने के लिए भी आपको परवाह नहीं होती है। हम भी अंदर अंदर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको चाहिए, आपका स्टाफ है, आपके बच्चे हैं, आप एक बार रिकमेंड करके दे दीजिए। आप रिकमेंड कर दीजिए कि जम्मू कश्मीर के एसपीओ को रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दीजिए, एमएचए को लिख दीजिए। अगर यहां से अप्रूवल नहीं मिलेगा तो हमें कोई किला शिको आपके साथ नहीं रहेगा। मगर आपकी नींद में खोते हैं, आप एसपीओ के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। डिसएंगेज एसपीओ जिन्होंने 35-35 लोगों का